शिकार हुए हैं पंजाब को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, और दिल्ली में आगे दिल्ली दिल्ली के रहने वाले हैं और समाज क्षेत्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसा हमारे आज लोनावाला के साथी कुछ आए हुए हैं, तो हम ये करेंगे कि ये जो इसको चर्चा को दो हिस्से में विभाजित कर देंगे। पहली चर्चा अभी 4:30 से 6:15 तक चली, 6:15 तक मान ली, और उसके बाद फिर जो लोनावाला के साथी जो अपना कहना चाहेंगे वो तो आज का जो विषय है ये हमने रखा है, ये आज का जो वर्तमान बौद्धिक संदर्भ है उसमें ये थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। और मैं आपसे सभी हमारे विद्वान साथियों जिन तक हमारी पिछली चर्चाओं में आते रहे हैं और जिस प्रकार की खोज हम लोगों की रहती है उससे आप लोग परिचित हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये अनुरोध करूँगा कि थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से इस विषय पर विचार करने की कोशिश करें। अभी विस्तार से तो पवन जी अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं केवल विषय की भूमिका की दृष्टि से और विषय प्रवेश की दृष्टि से ये आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समस्या से जो हम जूझ रहे हैं जिसको हम एक आधुनिकता कहते हैं और परंपरा कहते हैं, ये अक्सर चर्चा घर परिवार समाज देश में होती रहती है, लेकिन काफ़ी बिखरी बिखरी सी होती है, और उसमें जिस प्रकार से भी चर्चा होती है तो कई बार परंपरा का पक्ष हावी हो जाता है, कई बार आधुनिकता का पक्ष हावी हो जाता है, और उसमें कोई तारतम्य नहीं बैठ पाता, एक विभाजन पूरी प्रकार से बना हुआ है। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक आधुनिकता के संदर्भ में एक चीज़ हम प्रयोग करते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो आज का पिछले खास ओर से 30 साल का हमारी चर्चा वो राइट्स बेस्ड चर्चा होती है, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, सब तरफ से जीवन में छाता चला गया। तो अगर परंपरा की दृष्टि से केवल मैं विचार रख रहा हूँ, मैं तो आधिकारिक तौर से नहीं कह रहा हूँ, परंपरा की दृष्टि से देखा जाए कि परंपरा क्या है, तो परंपरा सबसे पहले ड्यूटी की बात करें कि हमारा अपने फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनके प्रति हमारा ऑब्लिगेशन क्या है। और वो जो अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स ईच अदर, तो उस ऑब्लिगेशन के केंद्र में फिर कहीं ना कहीं भगवान की भी बात रहती है, वो ऑब्लिगेशन की दायित्व जो हमारे ऊपर होता है वो उसके केंद्र में कहीं ना कहीं भगवान है, तो परंपरा वो भगवान से जुड़ जाती है। अब वो ऑब्लिगेशन चाहे तो इस बात का हो कि अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास भूखा हो तो उसको आपको भोजन कराना है। जब हम छोटे थे तो हमने देखा करते थे कि कोई भी व्यक्ति अपना खाने का डब्बा खोलता था तो वो जो है पास वाले से पूछता था कि भाई साहब खाना खाइए, बिल्कुल नियम से। आज ये बहुत चीज़ रेयर हो गई, और आप अपना जो पश्चिम की सैंडविच कल्चर है तो अपना सैंडविच खा के शुरू कर देना करता है, बाकी बैठे तो बैठे, कोई बात नहीं, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं आपके ऊपर। तो ये तो एक सबसे पहली बात है कि मानव के रूप में प्राणी के रूप में भूख लगती है तो सबका ये ऑब्लिगेशन है कि उसके लिए कोई भूखा ना रहे। तो इसके साथ जुड़े हुए अनेक प्रकार के ऑब्लिगेशंस हैं कि उसको प्रेम की भी तलाश है, तो जीवन में कुछ बनना चाहता है, अनेक प्रकार की चीज़ें, तो एक दूसरे की मदद करें, उस ऑब्लिगेशन से ही राइट बनता है, ये दूसरी बात। पर हमारे जो आज का डिस्कोर्स है, सामाजिक भौतिक डिस्कोर्स है, वो अपने राइट की बात करता है, उसमें ऑब्लिगेशन की बात कम आती है। तो परंपरा और आधुनिकता के दृष्टि में हमको शायद ये विचार करना पड़े कि ऑब्लिगेशन मुख्य है या राइट मुख्य है, और वो ऑब्लिगेशन जो है वो ऑब्लिगेशन फिर उसकी रूट कहाँ है। और दूसरी बात ये है कि जो भी समाज में राजनीति में जो भी चल रहा है उसमें एक तरफ विज्ञान ने प्रमुख भूमिका धारण कर ली है, और जिस भी चीज़ के ऊपर विज्ञान का नाम लगा दिया जाता है उसको ये एक अकाट्य सत्य मान लिया जाता है। लेकिन इस बात का हमको एहसास है कि विज्ञान उतना निश्चित चीज़ नहीं है, उतना अकाट्य नहीं है जिसको प्रचारित और प्रमाणित किया जाता है।
और इसी प्रकार से जब रिलीजन की बात होती है तो उसके अंदर भी एक प्रकार का टोटलिटेरियनिज्म आ जाता है। ये रिलीजन में लिखा हुआ है तो इसके साथ हम किसी तरह से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आज हमारे युग की जो दूसरी पहचान है कि रिलीजन या धार्मिकता या मज़हब उसको जो भी कह रहे हैं और विज्ञान दोनों ही अपना अपना क्लेम कर रहे हैं कि उनका यूनिवर्सल क्लेम है सत्य के ऊपर और उसके ऊपर एक लड़ाई चल रही है। तो अब रिलीजन को कहीं ना कहीं परंपरा से जुड़ा माना जाता है और साइंस को आधुनिकता से जुड़ा माना जाता है। तो जिस अगले पिछले खास तौर से 20-30 सालों में लेकिन आप 1-2 साल भी कह सकते हैं जो हमारा चित्त है चाहे वो हमारा निजी व्यष्टि चित्त हो चाहे समष्टि चित्त हो वो विभाजित है और कहीं ना कहीं उसमें जो जीत है वो यूनिवर्सल राइट्स और साइंस की बात की ज़्यादा जीत है और ऑब्लिगेशन ड्यूटी और ये जो आपका धर्म से एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये बात पीछे चुकी है। तो शायद हम में से कुछ लोग हैं जो ऐसा मान रहे हैं कि इस प्रकार का जो काव है वो उतना सही नहीं है और कहीं ना कहीं हमको अगर एक स्वस्थ समाज बनाना है तो फिर से अपनी परंपरा की तलाश करनी पड़ेगी आधुनिक संदर्भ में। तो ऐसा हमें से कुछ लोगों का सोच रहा है और पवन जी इसके बारे में बहुत गहरी चर्चा अपने लेखों में अपने बातचीत में विमर्श में करते रहे। तो मैं पवन जी से अनुरोध करूँगा कि इस भूमिका को अलग रखते हुए और जो भी आप अपने लेख से दोस्तों मेरा कोई क्लेम नहीं है कि जो विषय मुझे दिया गया है उसको उस पर मैं कोई आधिकारिक रूप से कुछ बात रख सकूं लेकिन हाँ उससे मेरी जो अपनी यात्रा रही है करीब 30 साल की उसमें इस विषय से संबंधित चीज़ों पे स्वतः ही ध्यान चला गया या जाना पड़ा। तो मुझे जब ईश्वर दयाल जी और डॉक्टर मित्तल का ये जो कार्यक्रम यहाँ चलता है तब को देश की बात इसके बारे में पता तो बहुत दिनों से था मैं उसमें आप कभी भी शामिल नहीं हुआ क्योंकि मैं मसूरी में रहता हूँ। पर मुझे ये इस तरह की प्रक्रियाएं अच्छी लगती हैं कि जहाँ कुछ लोग बैठ करके और एक अनौपचारिक रूप से कुछ मुद्दों को लेकर के चर्चा करें और अगर ये मेरी इसमें गहरी आस्था है कि अगर समान धर्मी लोग समय निकाल करके गहराई से किसी मुद्दे पर ईमानदारी से बात करते हैं बिना बहुत आग्रह के तो उसमें से कुछ उदय होता है जन्मता है वो बहुत स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो पर वो होता है कुछ ना कुछ। और मेरी इसमें मेरा थोड़ा अनुभव भी रहा है इस तरह का मेरी कुछ अपने अंदर भी इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं और मैंने देखा भी है। तो मेरी इस तरह की प्रक्रिया में काफ़ी आस्था और विश्वास है। आज जो विषय है उस पर मैं आपको अपना अनुभव थोड़ा बांटूंगा कि मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपना परिचय दीजिए तो मैंने बोला कि मैं इसके साथ ही जो अपनी बात रखूँगा उसी में अपना परिचय दे देता हूँ। करीब 30 साल पहले हमने अनायास वो समझ के मेरी ज़िंदगी में बहुत कम कुछ हुआ है अपने आप गाड़ी चलती गई और कुछ ना कुछ होता गया लोगों से मिलते गए और धर्मपाल जी का इन्होंने नाम दिया उनसे भी ऐसे ही मुलाकात हो गई और वो मुलाकात के रिश्ते में बदल गई और फिर उसने बहुत कुछ मेरे जीवन में उसका। तो करीब 30 साल पहले मैं बहुत विस्तार में नहीं जाके संक्षेप में बताता हूँ कि हम लोगों ने स्कूल भी नहीं कहना चाहिए एक ऐसा केंद्र की शुरुआत की गांव वालों के कहने पे जहाँ पे बच्चे आते थे और उनको पढ़ाने का एक कार्यक्रम शुरू हुआ बहुत अनौपचारिक उस टाइम कोई संस्था नहीं थी कोई पैसे नहीं थे कुछ नहीं थे और ये सोचा भी नहीं था कि बहुत लंबा चलेगा। वो कुछ दिनों के बाद जब उसको थोड़ा गंभीर रूप को लेने लगा उस दौरान
ये बात करीब 6-7-8 महीने बात की है, हमने जब काम शुरू किया उसके, तो वहाँ की महिलाओं से एक परिचय बढ़ा गांव की, और वो महिलाएं बड़े उम्र की ज़्यादा थी, मतलब 50 साल से ऊपर 45 साल से ऊपर की महिलाएं, तो उनसे जब एक रिश्ते में सहजता आई तो उन्होंने हम लोगों को कुछ बातें कही जो हम लोगों को काफ़ी झंझोरा। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि तुम तो हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो, बल्कि बिगाड़ ही नहीं रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तुम मतलब उनका कहने का मतलब तुम नहीं था, तुम माने शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नाम की जो चीज़ है वो, कि ये बर्बाद कर रही है हमारे बच्चों को, न घर का रहती है न खाट का। इस और भी बहुत सारी बातें थी, एक हमको याद है उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग बच्चों को होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत। स्कूल में जो आजकल हो रहा है वो दिखना दिखाना हो रहा है, होना नहीं। इसके बाद करीब 6-7 साल के बाद जब धर्मपाल जी से मुलाकात हुई तो, और फिर गांधी जी से परिचय उन्होंने करवाया, तो उसके बाद हम लोगों ने उसको एक, क्योंकि तो धर्मपाल जी काफ़ी प्रोत्साहित करते थे कि भाई शोध करो, कुछ लिखो ये सब चीज़ों के लिए, तो हम लोगों ने एक रिसर्च स्टडी की छोटी सी, उसका छापा भी बाद में मैटर ऑफ पॉलिटी के नाम पे, उसमें यही था कि महिलाएं जो कह रही हैं उसका हम लोगों ने उसको समझने का प्रयास था, उसका रिसर्च स्टडी। तो ये जो महिलाओं ने कहा उसमें ये बात ईमानदारी से कहूँ तो शुरू शुरू में मुझे बहुत अटपटा लगा कि ये क्या बकवास हो रहा है, मतलब क्या बोल रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो उतरा अंदर में कि इस बात में दम है जो वो कह रही है कि बर्बाद कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो, उससे और बातचीत तो उन्होंने कहा देखो पता नहीं क्या होता है, स्कूल जाके लड़कियाँ नेल पॉलिश लगाना सीख जाती हैं और फिर ये नेल पॉलिश वाला हाथ जो है गोबर में कैसे जाएगा, या ये लड़का जो है ये पैंट पहन के दिन भर पैंट में हाथ डाल के घूमता है, इधर उधर हम लोगों को ओछी दृष्टि से देखता है, अपने को लाट साहब समझता है, इत्यादि इत्यादि। हम लोगों ने एक चीज नोटिस की उस दौरान कि ये बात सही है, एक शिक्षा जो कर रही है उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, व्यापक प्रभाव जो पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि, और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है, ये मैंने गांधी जी से और धर्मपाल जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है सबको मिला के मैं कह रहा हूँ, शायद हम लोग ऐसी बात समझते हैं, एक नहीं होता उसके कारण, एक नहीं होते अनेकों होते, तो सबको मिला के मैं कह रहा हूँ। ये बात ये समझ में आई कि गांधी जी ये कहा करते थे कि स्कूल ने घर और स्कूल के बीच में बहुत बड़ा फासला बना दिया, स्कूल एक अलग चीज़ हो गई है, घर एक अलग चीज़ हो गई, स्कूल में हम अलग ढंग से उठते बैठते हैं, अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, जितनी भी चीज़ें स्कूल रिप्रेजेंट करता है, जिनका वो प्रतिनिधित्व करता है, जिन मूल्यों का, और घर जिन चीज़ों का, जिन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, मैं लाइफस्टाइल और कल्चर की, संस्कृति की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत बड़ा फासला आता है, और ये हमने प्रत्यक्ष रूप से अपने गाँव में देखा। और ये फासले की वजह से होता क्या है कि बच्चा चाहे पढ़ाई में अच्छा हो ना अच्छा हो, साधारण हो, तेज हो, मंद हो, कुछ भी हो, पर उसके मन में एक बात रहती है कि भाई मैं स्कूल में आ रहा हूँ तो यहाँ कुछ ऐसी बात है जो मेरे घर में नहीं है, जिसको मैं यहाँ सीख रहा हूँ, ये एक मोटा मोटी सबकी दृष्टि में रहता है, जिसको स्कूल अच्छा नहीं लगता उस स्कूल में, तो यहाँ की जो ये जिन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है स्कूल, वो मेरे घर से कुछ सुपीरियर हैं, कुछ ज़्यादा हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। तो उसके मन में एक हीन भावना अपने के प्रति, अपनी भाषा, अपनी पोशाक, अपना रहन सहन, अपने तरीके, अपने सोचने के तरीके, अपनी ज्ञान परंपराएं, उसके प्रति उसका एक ओछा भाव उसके मन में बैठ जाता है, और इसको वो सुपीरियर मानता है, इसीलिए वो होता है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। और इसके तुरंत इसके साथ साथ जो एक और चीज़ होती है वो ये होता है कि ये नकल करते हैं,
क्योंकि जिसको वो सुपीरियर मानेगा उसकी तरह होना चाहेगा तो वो स्वतः एक नकलची बन जाता है बिना सोचे। ये अनकॉन्शियसली एक अचेतन दिमाग से होता है। और जब मैंने ज्यादा थोड़ा देखा, उन्हें मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, सब लोगों का ये अनुभव होगा, जब थोड़ा और देखा तो मैंने देखा कि ये बात उन स्कूल में भी लागू होती है, हमारे गांव के स्कूल में नहीं है, यही बात दिल्ली के बड़े बड़े स्कूलों में लागू होती है, और यही बात सेंट स्टीफन्स में लागू होती है, यही बात IIT में लागू होती है, हर जगह। तो वो उसके उसका जो बाहरी आवरण है वो थोड़ा थोड़ा बदलता है, लेकिन अंदर में बात वही है, एक अपने के प्रति हीन भाव और नकल। ये और इसका एक और प्रतिफलन होता है जो मैं जिसके प्रति बहुत आजकल सोचता हूँ और मुझे लगता है उसके प्रति हम जैसे लोगों को कुछ करना चाहिए, वो ये कि हम सब एक सेल्फ कॉन्शियसनेस से, आत्मसंकोच से भरे हुए हैं। हम अपने को अपनी दृष्टि से नहीं देखते, हम दूसरे की वो भी मानी हुई दृष्टि कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उससे हम संचालित होने लगते हैं। दूसरी तरफ एक और प्रतिक्रिया होती है कि एक फॉल्स एरोगेंस आ जाती है, उनमें एक उद्दंडता, एक होंडापन, वो भी वो हो सकता है, या बहुत एक्यूट सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये उसके और एक एक उसका एक और डायमेंशन है। तो ये हम लोगों ने अपने स्कूल के दौरान, स्कूल के जो यात्रा रही मेरी उसमें हमने नोटिस किया। और इसमें एक चीज और लगी कि इसकी वजह से हमारी इसके पहले एक बात और कर दूं कि मेरा 7-8 साल पहले मैं कुछ समय के लिए एक हैदराबाद में एक बड़ा कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, IIIT करके कंप्यूटर साइंस की एक इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट मानी जाती है, तो वहाँ पे एक ह्यूमैनिटीज का भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, तो मैंने वहाँ पे एक आध सत्र में कुछ पढ़ाया। और ये मेरी, मैं जिनको पढ़ाता था वो तीसरी और चौथी थर्ड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हुआ करते थे, तीन देखते अच्छे स्टूडेंट, मतलब जिनको देश में अच्छा माना जाता है, IIT में निकले हुए हैं, और IIT में उनको कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो वहाँ पर छोड़ करके वो यहाँ आ गए, मतलब कि देश के 10,000 जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लोग निकलते होंगे उन 10,000 छात्रों में से कुछ लोग वहाँ पर होते हैं, तो जहाँ पर 5-6 लाख लोग परीक्षा देते हैं उसमें से 7-10 हज़ार लोगों छात्रों में से उनकी संख्या, तो एक तरह से वो अच्छे छात्र माने जाते हैं। मैं जब पढ़ाया तो मुझे एक दिन लगा कि भाई ये मैं जो कर रहा हूँ वही कुछ गड़बड़ हो रही है, और मैंने उस पर ध्यान दिया तो मुझे ये समझ में आया कि इनके इनकी भाषा लगा रही। तो जब मुझे ये समझ में आया तो मैंने उनको कहा कि भैया एक यार मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको छोड़ो एक तरह रखो, तो जरा 3-4 पेज हाथ से लिख करके मुझे एक लेख लिखो, और वो लेख तुमको जिस भाषा में तुमको लिखना हो लिखना, अंग्रेजी में लिखना अंग्रेजी में लिखना, हिंदी में लिख, क्योंकि हिंदी भाषी बहुत है वहाँ पर, हिंदी में लिखना हिंदी में लिखना, और तेलुगू में लिखना तो तेलुगू में। ये तीन तरह के लोग वहाँ ज़्यादातर हैं, कुछ लोग तमिलनाडु से जुड़े जाते हैं, बट ज़्यादातर या तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के हैं या फिर उत्तर भारत के हैं। तो ये सर किस पे लिखें, तो बोले यार खिड़की के बाहर 5 फीट देख लो ध्यान से, और जो तुमको समझ में आया खिड़की के बाहर उस पर लिखो। तो अब उनको बड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि कंप्यूटर से कट पेस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो वो तैयार बैठे थे कि सर कुछ बोले और हम कल ला के इनको कर देंगे। और मैंने बोला हाथ से लिखा, तब कंप्यूटर का प्रिंटआउट नहीं चाहिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वो आया तो मैं तो दंग रह गया। 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा जिस तरह लिखता है वैसे, चाहे वो अंग्रेजी में लिखे चाहे हिंदी में, तेलुगू मुझे आती नहीं है पर मैं पढ़ पाया किसी से, तो मतलब वो स्तर था। किस चीज़ का स्तर? भाषा का स्तर, वर्तनी का स्तर। भाषा जब मैं कहता हूँ, मैं बहुत बड़ी साहित्यिक भाषा की बात नहीं कर रहा, मैं व्याकरण की बात कर रहा हूँ, और
जिसको कल्पना कहते हैं वो नदारद है। मुझे लगा अगर मैं उनको गाय पे लेख लिखने देता तो वो ये लिख के लाते कि गाय के चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, गाय घास खाती है, हम उसको माता कहते हैं, दूध देती है, सबके सब ये लिख के लाते। ये उनका एक कल्पना का स्तर था। मैं आपको अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, बहुत दुख की बात है। फिर मैंने किसी से बात की तो उनका ये कहना था कि हमारे पढ़े लिखे समाज का जो अपने को पढ़ा लिखा मानता है और जो ये मानता है कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ, उस समाज का वो कितने लोग होंगे अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग, पर कुछ करोड़ों में तो होंगे जो अपने को मानते हैं कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, उस समाज की जितनी भाषाएं वो जानते हैं, हिंदी तब तेलुगु अंग्रेजी सबको मिला ले, तो उनका शब्दावली 5000 से ऊपर नहीं जाती और अंग्रेजी की शब्दावली 2500 से 3000 के ऊपर नहीं जाती। और वो ये मानते हैं कि हमको अंग्रेजी आती है। इससे ये मैं ये निष्कर्ष निकालता हूँ, मैं कोई इसके दावे के साथ नहीं कहता, मेरा ये अंदाजा है ये पूरी की पूरी जमात इसमें एक भाव ये है कि हमारी भाषा कोई काम की नहीं, अगर हिंदी है तो कोई काम की नहीं है, भोजपुरी है तो कोई काम की नहीं है, तमिल है तो कोई खास काम की नहीं है, वगैरह वगैरह, अब तो अंग्रेजी ही हमको सीखनी है और अंग्रेजी में ही हमको बात करनी है, एक मोटा मोटी एक समझिए। अपनी भाषा थोड़ी बहुत जानते हैं तो उसके मुहावरे अब नदारद नहीं जानते, उसकी कहावतें नहीं जानते, उसकी कहानियाँ नहीं जानती। और मैं प्रेमचंद वाली कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो परंपरा से आती है, लोक कथाएं उसकी बात कर रहा हूँ, लोक कथाएं वो नहीं जानते, प्रेमचंद भी नहीं जानते, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो ये जो समाज है जो हम बना रहे हैं बड़ी तेजी से, ये अंग्रेजी भी नहीं जानता, परंतु वो ये मानता है कि हम अंग्रेजी जानते। मैं अंग्रेजी नहीं जानता और मैं अगर ये बोलूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, शर्मा शर्मी नहीं, पर मैं अगर वाकई ये मानूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ये एक बात हो, पर मैं उतनी ही अंग्रेजी जानूं और मैं ये मान लूं कि मुझे अंग्रेजी आती है, ये बहुत खतरनाक बात। तो ये समाज ये मानता है कि हमको अंग्रेजी आती है और ये समाज अपने भाषा से कटा हुआ है, अपनी भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा कदा करता है या बहुत मन मार के करता है, गाली गलौज देने के लिए करता है या छोटी मोटी गप मारने के लिए करता है। और ये बोलता है कि वी थिंक इन इंग्लिश। मेरा ये ऐसा एक बन रहा है, मुझे लगता है इस पर गंभीर शोध होनी चाहिए। और कल मैं एक परसों एक महिला से मिलने जा रहा हूँ मानेसर में, ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो काम करती है, उन्होंने कुछ भाषाओं पर काम किया है, तो मैं उनसे ये चर्चा करने वाला हूँ। मेरा ये मानना है कि ये लोग सोचने के काबिल नहीं, ये सोचते हैं कि हम सोचने, क्योंकि ये जो शब्द है ना सोचना या थिंक, ये अगर ये रोज हमारे साथ होता है कि आपने किसी को बोला भैया वो काम कर देना और फिर आके आप पूछे कि भाई वो काम हुआ, तो या नहीं बोल, मैंने सोचा था कि वो कर देगा, तो मैं कभी कभी उनसे पूछा सोचा था या मान लिया, मानना और सोचने में फर्क है, तब वो पहली बार सोचने लगता है कि हाँ भाई मैंने माना था, सोचा वोचा नहीं। तो ये सोचना शब्द इतनी लूजली यूज होता है कि इसकी बात छोड़ दीजिए। तो ये पूरी जमात ये सोचती है कि हम सोचते हैं, पर मुझे डाउट है कि वो सोचते हैं। और अंग्रेजी की बात ले तो वो इतनी अंग्रेजी जान गए हैं कि वो निर्देश ले सकते हैं और निर्देश दे सकते हैं, कम हियर गो देयर, ये सुन लेते हैं समझ जाते हैं और ये बोल भी देते हैं दूसरों को, दूसरों को समझा भी देते हैं। और इसमें वो ये सोचते हैं कि ये सोचना है, माने उनका सोचने का स्तर सिर्फ क्रिया तक सीमित है, कल्पना में नहीं है। कल्पना में है तो बहुत ही घिसी पिटी सी कल्पना में है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे देश से, मेरे गांव से भी जहाँ मैं काम करता हूँ और दिल्ली तक, जिसको हम ओरिजिनलिटी बोलते हैं, जिसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं, वो करीब करीब खत्म है।
और जिसको हम सहजता बोलते हैं वो करीब करीब खत्म। और ये बहुत ही बड़ा नुकसान कर रही है, क्योंकि हर आदमी टेंशन में जी रहा है। एक टेंशन तो ये है कि अभी बहन बोल रही थी कि ये नागपुर से यहाँ आई है, उस टेंशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका काम कैसे चलेगा, ये चलेगा वो, तो एक अलग बात। लेकिन ये जो दूसरा टेंशन है वो ये है कि मैं दूसरे कैसा दिखता हूँ, मैं क्या हूँ, इसकी कोई परवाह ही नहीं। मतलब मैं अच्छा हूँ इसकी परवाह नहीं है, परवाह इसकी है कि मैं अच्छा लगूँ, मैं अच्छा दिखूँ। इस तरह की बात हो गई है, जैसे गति आधारित पूरा का पूरा समाज होते जा रहा है। शरण साहब, आप में से कुछ लोगों ने उनका नाम शायद सुना होगा, प्रोफेसर शरण अब लखनऊ में रहते थे, पढ़ी भी होगी कुछ, हाँ कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा। तो शरण साहब ये कहते थे कि ये जो मॉडर्निटी है, जिस मॉडर्निटी में हम रह रहे हैं आप और हम, ये मॉडर्निटी या आधुनिकता के उन्होंने तीन लक्षण बताए और मुझे वो बात बिल्कुल जम गई। उन्होंने कहा ये मॉडर्निटी जो है ये रूथलेस है, रूथलेस मतलब इसकी जड़ नहीं है। और साथ साथ कहा कि रूथलेस है इसका मतलब है ये सेल्फ ग्राउंडेड है, मतलब इसकी कोई, हमारी गांव की महिला इसकी बहुत अच्छी परिभाषा करती है, वो बोलती थी हम लोगों को कि नौकरी, आप पढ़ा लिखा भी सबको नौकरी करवाते हैं और नौकरी की जड़ कहाँ होती है, पत्थर पर, नौकरी की जड़ पत्थर पर, तो ये सेल्फ ग्राउंडेड है, इसकी कोई जड़ नहीं है मॉडर्निटी। दूसरा वो कहते थे शरण साहब की उसका एक लक्षण है कि ये न्यूनेस सीकिंग है, न्यूनेस हर समय नूतन चाहिए इसको, घोड़े के ऊपर सींग लगा दो नया हो गया, तो ये न्यूनेस, ये ओरिजिनैलिटी से अलग चीज है। ये एक बड़ा संकट है आधुनिकता का कि इसने बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा किया है। जैसे न्यूनेस का मतलब हो गया ओरिजिनल होना, भाई कुछ ओरिजिनल करो मतलब कुछ अलग करो, अलग मतलब घोड़े के ऊपर सींग लगाओ वो भी अलग है। तो ये न्यूनेस, सेल्फ ग्राउंडेड और देयरफॉर वायलेंट, हिंसक, ये तीन लक्षण उन्होंने बताए थे। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि किसी भी चीज को के दो पक्ष होते हैं, उसका एक स्थिति होती है और उसकी एक गति होती है। मैं जो हूं वो मेरी स्थिति है और मैं जो दिखाता हूं या मैं जो दिखता हूं वो मेरी गति है, जो मैनिफेस्टेशन है वो गति है और जो मैं हूं असल में माई बींग वो मेरी स्थिति है। तो मेरा आपके प्रति सम्मान है ये एक बात है, और मैं बहुत जोर दूर से आपका मतलब पाँव वाँव छूँ वो उसकी गति है। अब ये पाँव छूना तो मैं कर सकता हूं, अंदर में सम्मान है या नहीं है इससे उसका कुछ लेना देना नहीं। अंदर में सम्मान है और मैं पाँव नहीं भी छू पाया कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन पाँव छूना ही अगर उसका मापदंड बन जाए कि ये सम्मान करते हैं या नहीं करते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आज के दिन ये है कि मॉडर्निटी पूरी की पूरी गति आधारित है, ये हर चीज का मूल्यांकन, इसकी हर प्रेरणा गति आधारित, गति केंद्रित, गति को देख के ही मूल्यांकन करती है। इसकी ये स्थिति की ओर या तो इसकी नजर नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि इसको पता ही नहीं है, मैं नहीं कह सकता, हो सकता है पता हो सकता है पता ना हो, पर ये अगर पता है तो इसका पूरा पूरी इसकी चेष्टा ये है कि लोगों का ध्यान स्थिति से हटे और गति की तरफ ही रहे, क्योंकि गति आधारित समाज व्यक्तिवादी समाज होता है, गति आधारित समाज टूटा हुआ समाज होता है, समाज ही नहीं रहता। गति आधारित समाज जो होता है वो स्टेट कंट्रोल्ड होता है, वो स्टेट पे डिपेंडेंट होता है, और गति आधारित समाज जो होता है उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगेन क्योंकि ग्राउंडिंग नहीं है, सेल्फ ग्राउंडेड होता है, उसकी अपनी ग्राउंडिंग नहीं है, अपनी जड़ें नहीं।
ये बात का और विस्तार देने की जरूरत है, मैं फिर से आऊंगा इस पर। तो अभी जब मैं देखता हूं आज के लोगों को देखता हूं, दिल्ली के सेमिनारों में जाता हूं, तो मुझे एक बात लगती है कि हम लोग फॉल्स हो गए कहना शायद ज्यादा होगा, लेकिन हम झूठे हो गए ये कहना ज्यादा होगा, लेकिन शायद हमारी डिजाइन कुछ ऐसी हो गई है, हमारा वातावरण कुछ ऐसा बन गया है कि हम एक नाटक सा कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं रहता कि हम कर रहे हैं। मतलब ऑथेंटिसिटी गायब है, ईमानदारी गायब हो जाती है। तो ये नहीं कह रहा हूं कि बेईमान है, हम ये कह मैं ये कहने की कुछ चेष्टा कर रहा हूं कि उस वो वातावरण बेईमानी को प्रोत्साहित करता है, और बेईमानी मतलब फॉल्सहुड, बेईमानी मतलब इनऑथेंटिसिटी, मैं उस सेंस में बेईमानी कह रहा हूं। और हर आदमी इस बात पे लगा हुआ है, एक तरफ वो सेल्फ कॉन्शियस है, असहज है, और दूसरे से दूसरे की नजरों से अपने अपने को देखने की चेष्टा करता है, दूसरी तरफ वो दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा करता है, प्रभावित हो रहा है और प्रभावित होने की चेष्टा करता है। इस वातावरण में हम अपनी दृष्टि से सोच नहीं पा रहे, हम मौलिक रूप से सोच नहीं पा रहे, और उसमें भाषा भी एक रोल प्ले कर रही है, क्योंकि हम अपनी भाषा से कट गए। हमारी भाषा, इस बात में मैं थोड़ा जोर और विस्तार देना चाहता हूँ कि मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया भाषा के ऊपर। एक बात मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मुझे लगता है कुछ एनसीईआरटी के लोग, मैं बात कर रहा हूँ 5-7 साल पुरानी, जब ये नया एक करिकुलम बन रहा था यहाँ पे, आजकल वो ही पढ़ाया जाता है, उस समय बहुत सारी कमेटियाँ बढ़ी थी, कृष्ण कुमार जी डायरेक्टर थे उस समय एनसीईआरटी के, तो बहुत सारी वो बहुत उसकी चर्चा हुई, NEF 2005 करके उसकी बहुत चर्चा हुई, उस कुछ कमेटियों में हमको भी रखा गया, मैं एक दो मीटिंग में गया, फिर मैं गया नहीं, उस समय की बात है। तो उसमें हाँ भाषा की, तो उसमें मैं मुझे मैं एक आर्गुमेंट चल रहा था कि भाई अंग्रेजी से इतना परहेज क्यों, अंग्रेजी और तमिल में, अंग्रेजी और तेलुगु में उतना ही फर्क तो है ना जितना अंग्रेजी और हिंदी और तेलुगु में, हिंदी और तमिल में है, वगैरह वगैरह, इस तरह का एक आर्गुमेंट दिया गया। तो हमने एक 2012 के आसपास मैंने एक भाषा पे एक कुछ मित्रों को बुलाया, और उसमें एक बात बहुत ज़बरदस्त निकली, उसमें तमिल भाषी लोग भी थे, तेलुगु भाषी लोग भी थे, कई तरह के लोग थे, उसमें एक बात गजब की निकली जो मैं आज तक सोचता हूँ उसमें हम लोगों ने काम नहीं किया, पर उस पर काम और होना चाहिए। बात ये निकली कि जितनी भी भारतीय भाषाएं, जितनी भी, उसमें मैं तमिल का विशेष रूप से नाम इसलिए ले रहा हूँ कि तमिल संस्कृत से नहीं आई है, बाकी भाषाओं का संस्कृत से कुछ ना कुछ एक संबंध है, तमिल इंक्लूडिंग तमिल, हमारी भाषाओं का दर्शन है। वो दर्शन क्या है कि हमारे यहाँ हर चीज छोटी है। जैसे उदाहरण से समझे कि मेरा हाथ अगर जल जाए तो मैं कहूँगा, आप पूछेंगे क्या हुआ, तो मैं बोलूँगा मेरा हाथ जल गया, मैं गिर पड़ा, इसकी शादी हो गई, उसके बच्चा हो गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, हो गया, हर चीज में हो, हमारे यहाँ होता है, बच्चा होता है, शादी होती है, हाथ जलता है, एक होने का सेंस। अंग्रेजी और यूरोपियन भाषा में क्या होता है, हम बोलते हैं आई बर्न्ड माय हैंड, मैंने अपना हाथ जलाया,
या मेरा मैं यही बोलेंगे ना, मतलब अगर उसको लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो ये बोलना पड़ेगा मैंने अपना हाथ जलाया, मैंने अपने आप को गिराया, उसने बच्चा पैदा किया, मतलब डूअरशिप, शी गॉट मैरिड, ही गॉट मैरिड, शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो उसमें डूअरशिप कर्ता भाव कौन प्रमुख है, हमारे यहाँ होने का भाव प्रमुख है, और ये तमिल में भी ऐसा ही, सभी भाषाओं में ये कंस्ट्रक्शन ऐसा है। अब मेरे को लगा कि ये यार ये गीता की बात से मेल खाता है, गीता में ये कहते हैं कि भाई कर्म करो और जो परिणाम है उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, जो होगा वो होगा या नहीं होगा, तो तुम करोगे वो करने का एक रोल है पर छोटा सा रोल, उसी से सब कुछ हो जाएगा जरूरी नहीं है। तो आज सुबह जो अपन बात कर रहे हैं अपन करते हैं, क्या होगा देखा जाएगा। तो ये जो सेंस है ये सारी भारतीय भाषा, और मुझे तो बहुत गजब की बात लगी, हम उसको कहते हैं कि भाई हमारा देश इज द हैपनिंग कल्चर और जो वेस्ट है वो डूइंग कल्चर वाले लोग, इसलिए उससे अहंकार भी आता है, इसलिए मॉडर्न साइंस को जो थोड़ा बहुत समझ लेता है वो बहुत बड़ा अहंकारी हो जाता है। इंडिविजुअल अहंकारी तो हम भी हैं, बहुत 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 होगा, लेकिन कलेक्टिव अहंकार जो विज्ञान देता है वो और कोई चीज नहीं देती। आज का मॉडर्न आदमी इतना अहंकारी है, अभी कल परसों में एक मेमोरी टीचर्स कॉन्फ्रेंस में था, एक 11वीं 12वीं क्लास की लड़की थी, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो वो बोली क्या आप लोग बात कर रहे हैं, साइंस के पास तो हर चीज़ का सोल्यूशन है और अभी नहीं है तो हो जाएगा, मतलब इतना उसको, और बहुत इनोसेंटली बोल रही थी वो, कोई मतलब वो बोलती थी आप क्या बात कर रहे हैं, साइंस में पोल्यूशन का, ग्लोबल वार्मिंग का, जो है ये कल हो जाएगा, और यही बात 40-50 साल से हम लोग सुन रहे हैं, आज का बच्चा भी यही बोल रहा है। तो ये विज्ञान जो जिस तरह का एरोगेंस देता है, ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, ये एक वेस्टर्न व्यू पॉइंट से है, जहाँ पे डूअरशिप को इतना महत्व दिया गया है। हम लोग जो हैं ये भीड़ वाले लोग हैं ना, मैंने भी किया और भी बहुत कुछ हुआ, और उससे वो हुआ या नहीं हुआ, वो लोग ही वाले लोग, मेरे ही करने से होगा, मैं ही करूँगा, ये वाला जो इम्पोर्टेंस है, डिफरेंस है, ये महत्वपूर्ण डिफरेंस है। तो अभी जब हम दूसरी भाषा को अडॉप्ट कर लेते हैं बिना समझे कि अंग्रेजी मेरी भाषा हो गई और अंग्रेजी में ही अब सब कुछ चलेगा और अंग्रेजी अब ग्लोबल है और अंग्रेजी सीखे बिना कुछ काम नहीं चलेगा, अंग्रेजी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको ये सारा कुछ समझना उसके साथ होगा कि भाई कुछ और भी व्यू पॉइंट्स होते हैं, और व्यू पॉइंट्स जो होते हैं, जो विश्व दृष्टि होती है, उसका भाषा के साथ कितना गहरा संबंध है। मैं अगर अपनी भाषा को छोड़ करके दूसरी भाषा को अपना लेता हूँ ठीक उसी तरह से, तो मैं न घर का रहता हूँ न घाट का रहता हूँ। देखिए क्या होगा, आज आप एक सर्वे करके देखिए और आम पढ़े हुए इंसान से पूछिए धर्म का क्या मतलब, 99% आम पढ़ा लिखा आदमी, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल होगा, फॉल्स हो या सही हो उसकी बात छोड़ दें, पर जो अपने को बहुत इंटेलेक्चुअल कहता है उसको छोड़ दें, आम आदमी से पूछे जो अपने को पढ़ा लिखा मानता है, 2-3 लाख रुपया महीने की नौकरी भी मिलती होगी, तो वो बोलेगा धर्म का मतलब रिलीजन। सर्वे करके देख लीजिए, मैं पूछता रहता हूँ, किसी को नहीं पता है कि धर्म का क्या मतलब है, आपको पता होगा, इस ग्रुप में बैठे हुए शायद 80%, 85%, 90% प्रेसिडेंट लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होगी धर्म क्या होता है, लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको धर्म का मतलब रिलीजन दिखाई देता है। कहने का मतलब ये कि जब आपने अंग्रेजी को अपनी भाषा बना लिया तो आपने अपने अर्थ से भी आप चूक गए, आप अपने अर्थ से भी चूक गए, और उस बच्चे का या उस आदमी का अपनी माँ या दादी से संवाद भी चलता है, और दादी की दुनिया धर्म वाली दुनिया है और इस बच्चे की दुनिया रिलीजन वाली दुनिया है, और वो संवाद कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है संवाद हो क्यों नहीं रहा, दादी जो बोल रही है इसको समझ में नहीं आ रहा है, और ये उसको लगता है कि दादी कुछ पता नहीं, और उसके दिमाग में, उसकी भी बात छोड़ दीजिए, ये दिमाग में क्या, क्योंकि ये जो धर्म वाला हिस्सा है,
जो अंग्रेजी बोलने लगा जो लड़का या लड़की, उसके मन में धर्म भी कहीं ना कहीं है, उसके जेनेटिक है, डीएनए है, पर वो उसके प्रति सचेत नहीं, वो रिलीजन वाली कैटेगरी में अपने को फिट कर रहा है, तो वो जो है वो कभी भी क्रिएटिव नहीं हो पाएगा क्योंकि मिसफिट हो रहा है उसके दिमाग में। वो सोच रहा है कि वो सोच रहा है लेकिन वो सोच पा ही नहीं रहा। तो ये जो समस्या है ये उन लोगों की समस्या है जिन्होंने अपनी जड़ें खो दी, हो गए हैं, जड़ें खो दी हैं और उनको पता नहीं है जड़ें क्या होती है या जड़ों की तरफ उनकी कोई तड़प भी नहीं। मतलब वो एक एमनीजिया में है, वो एक जैसे कोई मॉर्फिन खा करके या क्लोरोफॉर्म सूंघ करके बेहोशी की अवस्था में है, वो उस अवस्था में। तो मेरा एक प्रस्ताव ये भी है इस सवाल के सामने कि ये क्लोरोफॉर्म से मुक्ति लोगों को मिले, इसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म अभी इस देश की ये समस्या है कि जो अपने को सेक्युलर कह रहे हैं और जो अपने को नॉन सेक्युलर कह रहे हैं या जो परंपरावादी कह रहे हैं, ये दोनों क्लोरोफॉर्म खाए, इनमें ये कहना कि ये इनको क्लोरोफॉर्म दिखाई इन्हीं की जरूरत है, ये गलत होगा। गांधी जी का एक मुझे बहुत ही पसंद है वो भाषण, और मैं गांधीवादी नहीं हूँ, इसलिए जो लोगों को गांधी से थोड़ा परहेज हो वो ये नहीं समझे कि मैं गांधी की बात कर रहा हूँ। मुझे खाली वो लेख बहुत पसंद है, 1917 का है शायद वो, या 18 का हो सकता है, मैं पर 17 या 18 की इतना ही कन्फ्यूजन है। वो साबरमती आश्रम में दिया हुआ, जब वो वहाँ पे मिल वर्कर्स की एक हड़ताल उन्होंने की थी और 40 दिन हो गए और हड़ताल टूटने वाली थी, और गांधी जी उसमें बैठे थे सभा में, और उन्होंने उस दिन कहा कि अब से मैं इस अनशन पे बैठता हूँ। क्यों बैठता हूँ? क्योंकि मैं नहीं बैठूंगा तो ये हड़ताल टूट जाएगी, और हड़ताल टूट जाएगी तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, मैं जो बैठ रहा हूँ ये भी वायलेंस है, उन्होंने ये कहा, ये भी हिंसा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं दबाव डाल रहा हूँ। कि जब अरविंद के अन्ना बैठे थे लोगों ने कहा कि गांधी जी कभी ऐसा नहीं करते थे, गलत बात थी। गांधी जी ने कहा मैं भी हिंसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन पर दबाव डाल रहा हूँ, लेकिन ये दो गलत कामों में से मैं जो कम गलत काम है उसको चुन रहा हूँ, दूसरा बड़ा गलत काम क्या होता? वो ये कह रहे हैं दूसरा बड़ा गलत काम ये होता, मैं नहीं बैठता तो हड़ताल टूट जाती, और मैंने इनको कहा था भैया ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम जो हो तुम तुम्हारी मांग सही है इसलिए ईश्वर तुम्हारे साथ है, और आज अगर ये हड़ताल टूट जाती तो उनकी ईश्वर में आस्था डगमगा जाती, इसलिए मैं बैठूं। फिर वो आगे अपनी बात करते हैं कि भारत की जो आत्मा है, जड़ों की बात हो रही है, भारत की जो आत्मा है वो आस्था है ईश्वर में, और इस चीज को न दो नाम लेते हैं वो, और वो नाम उस समय लेना जो अभी आप बोले ना गांधी जैसी हिम्मत किसने है, उस समय वो दे रहे हैं एक तिलक का नाम 1917 में जी, और दूसरा मानव मोहन मालवीय, और वो बोलते हैं ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए लाखों लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये दोनों भी भारत की आत्मा को नहीं समझते, दूसरे तो समझते ही नहीं है, ये भी नहीं समझते, अगर ये समझते होते और फिर ये कहते हैं कि ये दोनों भी मतलब इस तरह के लोग भी भारत को यूरोप जैसा ही देखना चाहते, दूसरे तो देखना चाहते ही हैं, ये भी वही देखना चाहते, तो आज भी सेक्युलर हो या दूसरे तरह के लोग हो कि दोनों क्लोरोफॉर्म खाए, ये जो गोरक्षक हैं वो भी, और जो राजनीतिक टाइप के लोग हैं वो, ये बात हम लोगों को अगर कुछ काम करना है, ये जड़ों को अगर खोजना है, तो बेबाकी से और काम करना होगा बिना डर के, और आज स्पेस खत्म हो रही है। मैं ये बात भी रखना चाह रहा हूँ कि आज हमारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं रह जा रहा। मैं जब बात करता हूँ तो कुछ लोग हमको कहते हैं ये तो आरएसएस का आदमी, और आरएसएस जैसे लोगों के बीच में बात करता हूँ तो वो बोलते हैं ये तो सब दूसरी तरह का आदमी, हमारी तो कोई जगह ही नहीं है।
और हम ना उधर के हैं ना इधर के, भाई मेरे को भी तो जीने का हक है, मेरी भी तो कुछ जगह होगी, कोई जगह। और ये फिजिकली भी नहीं रही, मैं आपको बताऊं, मेरा बिहार से बहुत गहरा संबंध है, मेरे पिताजी वहीं रहते थे, मैं छुट्टियों में वहाँ जाता था। जब छोटा बच्चा था तो हमारे यहाँ फुटबॉल खेली जाती थी, मैं फॉरबिसगंज की बात कर रहा हूँ, उत्तर बिहार में छोटी सी जगह, बंगाल से दबा हुआ इलाका, हमारे यहाँ फुटबॉल होती, बच्चा बच्चा फुटबॉल खेलता, और वहाँ से वहाँ के खिलाड़ी मोहन बगान ईस्ट बंगाल मोहम्मदन स्पोर्टिंग में खिलाड़ी बने। तो अब की बार मैं बहुत दिन सालों के बाद गया, 2 साल पहले, मैंने बोला फुटबॉल का क्या था, तो वो बोले फुटबॉल कोई नहीं खेलता, क्यों क्या हो गया, सिर्फ मैदान ही नहीं रहे ना खेले, और फिर टी वी आ गया वगैरह वगैरह, पर मैदान भी नहीं रहे। तो मैं फिजिकल स्पेस की भी बात कर रहा हूँ, साधारण के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली में लोधी गार्डन है, आप घूमने जा सकते हैं, फुटबॉल नहीं खेल सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते, मतलब बच्चों के खेलने की जगह नहीं है साधारण। आपको खेलना है कैंटीन में जाइए, चाय की दुकान नहीं रही बरिश्ता में जाइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि साधारण जो है, हिंदुस्तान साधारण का देश है, सहजता का देश है, मैं जो बहुत अच्छा लगा आपने सहजता शब्द यूज किया, क्योंकि मुझे लगता है उसमें सब कुछ है। अगर ये देश फिर से सहज हो जाए, और ये सहज आदमी जो होगा वो मोटा मोटी ईमानदार होगा, राजा हरिश्चंद्र नहीं होगा, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र शायद सहज नहीं रहे, वो जो सहज आदमी होगा वो थोड़ी बहुत गप मारता है, इधर थोड़ी अतिशोक्ति हो गई, उधर थोड़ा हट गया, वो भी चलता है, लेकिन वो बेईमान नहीं, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन बेईमान भी नहीं, सहज। तो ये सहज और साधारण का देश रहा है। मतलब गांधी जी का फिर से एक किस्सा याद आता है कि गांधी जी जा रहे हैं ट्रैवनकोर हरिजन यात्रा के दौरान, और रास्ते में जो है वो गाड़ी रुकवाते हैं, कोई किसान लोग काम कर रहे हैं अपनी जमीन पे, तो गाड़ी रुकवा देते हैं, और एक किसान के पागल ही आदमी रहे होंगे, बीच में गाड़ी रुकवा के किसान के पास जाते हैं और बोलते हैं भैया तुम्हारा राजा हो, कैसे उनके दिमाग में सब आते हैं मुझे नहीं पता, तुम्हारा राजा हो। तो किसान अपना काम धंधा छोड़ के खड़ा होता है और बोलता है होगा कोई असली राजा वो, और गांधी जी गदगद है, बोलते ये कैसा देश है कि जहाँ का साधारण आदमी अपने राजा की परवाह नहीं करता, और बोलता वो है तो इस देश को निडर करने में क्या दिक्कत है। मैं सोच रहा था हमने से कोई होता, मैं होता तो मैं बोलता कितना मूर्ख है, इसको स्कूल मूल भेजो, इसको जनरल नॉलेज सिखाओ, इसको अपने राजा तक का नाम नहीं पता। और गांधी कह रहे हैं कि क्या बात है, उसको राजा की परवाह नहीं है। तो ये दृष्टि जो है ये कहाँ चली गई। मैं जब शुरू में आया आपसे थोड़ा मैं बहक गया हूँ तो थोड़ा बोल रही हूँ, मैं शुरू में आया तो मुझे मेरे गाँव वालों से बात नहीं कर पा, और मुझे लगता था कि कुछ बात ही नहीं हो रही, क्योंकि मेरी स्टाइल क्या थी, आप क्या करते हैं, आपको क्या, राहुल गांधी वाली स्टाइल आपको क्या आता है। अभी एक हॉस्पिटल में गया तो एक आदमी को देख के पूछता है आपको चोट लगी है, अरे यार चोट लगी तो बैठा है यार बेचारा। तो वो स्टाइल अपनी भी थी, तो हमको रविंद्र शर्मा ने एक दिन बोला, पवन हमको नहीं बोला, मैं बात बात में बोला, हमारे लोगों को बात करना तो आता नहीं है, इंटरव्यू स्टाइल में बात करते हैं, तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा जवाब देगा, तुम कितने पढ़े हो जवाब देगा, तुम क्या हो बस जवाब देगा, मतलब गाँव के लोग ऐसे बात नहीं कर रहे थे। वो बोलेगा मुझे कोई हाउस वाइफ जिसको कहते हैं उससे पूछे तुम क्या करते, साधारण दिल्ली की नहीं साधारण हाउस वाइफ से, तो बोले कुछ नहीं करते, क्या आता कुछ नहीं आता। तो बोले कि तुम अगर उससे कुछ किस्से कहानियाँ करो, उससे तुम कुछ अपनी बात करो कि मैं यार ये खाना बनाती हूँ इस तरह से बनता है, पर वो ऐसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो 10 चीज़ें बता देगी आपको, कोई बीमारी की बात कीजिए, वो हेल्थ की बात कीजिए, कुछ इस तरह की बात कीजिए, वो उसको जोड़ देगी, बहुत तरह की चीज़ बता देगी। तो हमारा तरीका जो रहा है वो दूसरा रहा है, हम दूसरी तरह के लोग होते हैं, हम लीनियर लोग होते हैं, और हमारा जो समाज है वो नॉन लीनियर समाज है, हमारा साधारण आदमी नॉन लीनियर है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग, मतलब मैं इस सभा का इसलिए इस्तेमाल भी कर रहा हूँ कि मेरे मन में एक पीड़ा है, पीड़ा ये है कि हम पंजाब के लिए वो पीड़ा है आपके लिए,
कि हमको कुछ करना चाहिए। मैं बोलता हूँ क्या करें, दिमाग खराब है अपना भी उसी में, मतलब मैं खुद को भी उसमें शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत इलाज हुआ है, वो भी झटके में हो गया, पर अभी भी बहुत कूड़ा भरा पड़ा है। रोज दिखता है कि अरे यार लेकिन मैं तो ऐसे सोचता था, होना तो ऐसे चाहिए, आज भी पता चलता रहता है। तो ये जो कूड़ा करकट भरा है, इसके ऊपर बात को, इसको निकालने के, इसको चुनौती देने के, चैलेंज करने के क्या तरीके अपने को, इसमें हड़बड़ी नहीं चाहिए, इसमें कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे, इसमें गहराई में जाना पड़ेगा, हम लोग इस पर कुछ काम करें, रिकनेक्शन हो हमसे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे चले जाएंगे वगैरह वगैरह। पीछे चले जाने पे एक किस्सा सुना देता हूँ, फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। महाभारत का एक किस्सा है, मैंने कहीं पढ़ा, मैं महाभारत में नहीं पढ़ा, किसी ने महाभारत में लिखा उसमें पढ़ा, ये भी स्पष्ट कर दें। एक चतुर्वेदी बद्रीनाथ करके हुए, उन्होंने किताब, कई किताबें लिखी हैं, उसमें से एक किताब है, मैं पढ़ा तो मैं गदगद हो गया, उनसे मिलने गया, मर गए अब तो वो, बहुत बढ़िया आदमी, ये तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी होके बिताए थे। मैं गया, अकेले रहते थे मकान में, तो मैंने बोला कि आप अकेले रहते हो, उन्होंने किताब लिखी थी 12 वुमेन ऑफ महाभारत। तो ये उनकी किताब एक और है, उसके उसमें से किस्सा है, तो उसमें वो बोल रहे कि दल्प ऋषि बहुत बड़े ऋषि नहीं थे, व्यास और वाल्मीकि जैसे नहीं थे, वो छोटे मोटे ऋषि थे दल्प। तो दल्प ऋषि को एक बार बहुत दूर और बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पे कहीं जाना, कैसे जाएं इतनी जल्दी, समय बहुत कम, दूरी बहुत ज़्यादा, और मरण, जीवन मरण का प्रश्न था। तो उनको फिर याद आया गरुड़, तो गरुड़ को बुलाया, उनके बचपन के दोस्त थे, गरुड़ आए, गरुड़ को अपनी कथा सुनाई। तो गरुड़ बोले क्या बात है, बैठ जाओ मेरी कुछ, तो मैं ले चलता हूँ। बैठ गए, गरुड़ उड़े और बहुत ऊंचाई पे और एकदम तेज रफ्तार से दौड़ने लगे, तो इनकी सांस फूलने देरा और उतनी ऊंचाई, ये घबरा गए, बोले भैया मैं तो जाने से पहले ही मर जाऊँगा, एक बार रोको कहीं। तो गरुड़ उतर गए कहीं, ये निकले, इनकी सांस में सांस वापिस आई, फिर बोलते गरुड़ को और झेपते हुए वापिस चलो, वो काम तुम्हारा इतना जरूरी था जिसके लिए आए, बोले नहीं वो जरूरी हो रही कुछ नहीं, वापिस चलो। तो बोले कि तो इतनी दूर क्यों लाए तुम मुझे, बोले यार नहीं लाता तो अभी तक वो ही चिंता करते रहता कि वो बहुत जरूरी है, इधर तक आना जरूरी था, अब कल आई कि वो जरूरी नहीं है। तो हम लोगों को दौड़ना भी बुरा नहीं होता है, मुझे लगता है दौड़ने का कुछ हम लोगों को करना चाहिए अपनी जरूरत की तरह, और के लिए गहराई से और गंभीरता और सहजता जी, बहुत बिखरी बातें कर दी, अपने मन की बात की मैंने, मैं कोई विद्वान होने का दावा नहीं करता, इसलिए आप अगर उस अपेक्षा से आए तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, फिर बातचीत होगी। तो जो हमारे पुराने साथी यहाँ मौजूद हैं, तो उनके किसी कसर भी होगी, पिछले साल की यादें ताज़ा हो गई, तो इस प्रकार की चर्चाएँ यहाँ रोज होती थी, बहुत दिनों बाद आप फिर से आपने उस बात को वादा कर दिया है। आप जो आपकी प्रस्तुति है उसमें बड़े सारे इम्पोर्टेंट थीम्स जो है वो उभर के आए हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे सभी साथी बेचैन होंगे उसको अपनी करने के लिए। तो जो साथी पुराने हो तो यहाँ का नियम पता ही है, नए साथियों को सुनने से पता मिल जाएगा, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अभिजीत जी का। इंग्लिश की बात हुई तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो भारतीय युवा है वो इंग्लिश का जाग हो रहा है, ये दोष कोई बच्चों का नहीं है कि हम बच्चों को ब्लेम करते हैं, ये दोष हमारी शिक्षा प्रणाली का है कि उन्होंने चेंज नहीं किया, सारी शिक्षा जो इंग्लिश में ही हो रही है, सारी किताबें इंग्लिश में हैं, ठीक है, UPSC में हिंदी वालों का रिजल्ट ही नहीं आना, ठीक है, इंग्लिश वाले ऊपर पहुँच रहे हैं केवल। तो हमें ये तो देखना होगा कि बच्चे फिर क्यों हिंदी पढ़ें, तो ज़रूरत ही नहीं हो रही है हिंदी की, हमें इंग्लिश की ज़रूरत है, जॉब में जाएंगे बाहर इंग्लिश का यूज़ होगा, वो जो जिस चीज़ का यूज़ होगा वही तो पढ़ेंगे, इस भाषा का यूज़ नहीं है वो क्यों पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद सभी दोस्तों का, धन्यवाद जी विक्रम, बहुत ही दिलचस्प विषय है, और अपने देश की बात में इस तरह की चर्चा होती रही है, और एक ये जो भी आपने वक्तव्य दिया बताइए,
उसमें अपने देश की बात कम झलकी थोड़ी, मेरी अपनी देश की बात कम झलकी, कम झलकी, क्योंकि आपका जो पूरा वक्तव्य रहा है एक पढ़ी लिखी समाज के लिए ही रहा, मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि हमारा जो ग्रामीण भारत उसमें जो पुरानी परंपरा है, अभी कुछ समझदार लोग इस परंपरा के बारे में और आज की परंपरा के बारे में तुलना करते हैं, तो उस तुलना में ये जरूर पाते हैं कि पहले जो जीवन था वो आनंददायक था, अब के लोग पैसे की वजह से असली जो आप जो असली की उसके प्योर फार्म की बात कर रहे थे, वो मेरी नज़र में पैसा है दोनों, तो पैसे की वजह से कई चीज़ों की विकृतियाँ हमारे समाज में पैदा हुई और जो हमारी परंपरा थी उनको प्रभावित किया। जो ग्रामीण परंपरा है, जो रहन सहन है और जो जो प्राकृतिक जो परंपरा है, हम उसको देख नहीं रहे। जहाँ तक वापस जाने वाली बात है, उसमें मेरा यही मानना है कि जो प्राकृतिक परंपरा है वो यही है कि हम इस दुनिया में आए, हमने जन्म लिया है, तो समझदार होने के बाद हम समझे हैं कि हमारे पीछे क्या था और हमें क्या करना चाहिए। फिर कुछ समय के बाद हमको ये ज्ञान होता है कि हमें आगे के लिए क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में जो परंपरा वाली जो बात है, उसमें जो भाई ने कहा, तो आपने भी कहा, जो शिक्षा का आपने जो उदाहरण दिया, शिक्षा के क्षेत्र में आपको वापस जाना पड़ेगा। पहले जो पढ़ाई लिखाई का माध्यम था उसमें नकल लिखवाना और इमला बोलना, अगर आप सभी लोगों को पता हो शायद, तो पढ़ाई के लिखाई के ये सबसे बढ़िया आधार थे और आज वो मेरे ख्याल से कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। सरकारी स्कूलों का सत्यानाश किया जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में 15 अगस्त तक शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुझाव मांगे, तो सर मैं आपसे उतार ही निवेदन करूँगा कि अगर आप कोई सुझाव एजुकेशन के ऊपर, देश की शिक्षा प्रणाली कैसी हो, क्योंकि ये सभी लोग मान रहे हैं कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो हमने अब तक इसको विकृत कर दिया है, इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। और यही परंपरा की क्लास मुझे नज़र आती है कि हमारे जो शिक्षा प्रणाली है, जो पुरानी जो परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, उसको बदलना, वो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कटुता उसमें अभी भी पैदा हो गई, समय समय पर कटुता आ जाती है। हमारा समाज कई तरह से, कई सीढ़ियों में बटा हुआ समाज है, तो एक तो बौद्धिक के स्तर पर हमको पीछे जाने की या फिर उसमें नई परंपरा की कैसे तलाश की जाए, एक वो है। दूसरा ये है कि हमको पीछे जो हमारे जो बचपन था, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारा जो रहन सहन था, खान पान था, उस सब के बारे में हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने बस्तर के अंदर। जी बुजुर्ग साहब, अरे बर का हुकुम है, समय का ध्यान रखें, दो या तीन मिनट बस। अब रहबर का हुकुमत साहब देखिए, नहीं आपका ये आदेश पर्टिकुलरली मेरे लिए ही हुआ, औरों के लिए तो नहीं हुआ था। बहरहाल अब रहबर का हुक्म है तो मैं बोलना पड़ेगा। कारण ये है क्योंकि डर आपके राष्ट्रकवि का भी लगता है, रामधारी सिंह दिनकर का, जिन्होंने लिखा है, जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है या किसी लोग के विवश मूक रहता है, उस अधि राजतंत्री हृदय को धिक है, वह मूक सत्य हंता कम नहीं बधिक है। तो मैं बधिक नहीं बनना चाहता। आपने भी ये प्रकाश डाला इस बात पर कि जो शिक्षा प्रणाली से जो बेसिक हमारे कल्चरल उसमें डिफरेंस आया कि वहाँ की औरतों ने ये कहना शुरू किया यू आर कटिंग ऑफ आर चिल्ड्रेन फ्रॉम अस, वो बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि टीचर की जो डेफिनेशन है, वो टीचर की डेफिनेशन है द वन हु नोज व्हाट इज टू बी टॉट टू द कॉन्शियस माइंड एंड व्हाट टू बी प्रिसेप्टेड टू द सबकॉन्शियस एंड हाउ इज टीचर इंडीड। एंड व्हेन अ टीचर एक्वायर्स मदर्स हार्ट for his pupil or his students or his disciples, he stands elevated to the level of guru. Guru wo tab banta hai.
और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मदर से बड़ी शिक्षिका कोई नहीं होती है, शिक्षक कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मदर के विसाविस बच्चे के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है कभी भी। अपने शिक्षक के विसाविस जब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है तभी वो दूसरों के साथ उस तरह का व्यवहार करता है। तो व्हाट इज एसेंशियल हियर कि हमें खाली शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार गुरु भी बनना पड़ेगा। जब तक शिक्षक संस्कार गुरु और शिक्षा गुरु साइमल्टेनियस नहीं होगा तब तक वो मदर का स्टेटस नहीं एक्वायर कर सकता, और जब तक ये दोनों नहीं करेगा साइमल्टेनियसली तब तक वो चरित्र को संभाल करके ज्ञान उसमें पिरोदे ये संभव नहीं है। वो ज्ञान पिरोएगा तो चरित्र मुझे पसंद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने देश के पास बंद हो गई थी। मैं अपने अपने देश की बात बंद थी शुरू ही फिर से चर्चा जी अपने देश की बात बंद थी फिर शुरू हुई फिर से चर्चा। जिसने भी शुरू किया हम उनको सलाम करते हैं। तो हमारी तो दिल ख्वाहिश है कि इसे दोबारा बंद ना किया जाए और गाहे गाहे चलाया जाए, निरंतर हो तो अच्छी बात है। भाई साहब ने जितना भी हम लोग के सामने स्पीच दिया है वाकई दिल की बात ही नहीं। भारतीय संस्कृति जिस तरीके से ख़त्म हो रही है और ख़ासकर उसकी जिम्मेदार हमारी गुलामी मानसिकता है तो अंग्रेजी की वजह से। देखिए जिस देश में हम अपनी भाषा को छोड़ देंगे पीछे, जैसा भी नौजवान साथी ने कहा कि जब इस भाषा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो लोग क्यों पढ़ेंगे। लेकिन एक बात ख्याल रखें, मदरसा जो आज ज़िंदा है, दुनिया परेशान है, पूरा सिस्टम परेशान है, एक मौलवी कोई बेरोज़गार नहीं मिलेगा, अल्लाह का शुक्र है। एक मौलवी कोई बेरोज़गार नहीं मिलेगा, आपके एमफिल पीएचडी लोग बेरोज़गार मिल जाएंगे। लेकिन आप 1,00,000 रुपए की तनख्वाह में भी नहीं अपनी ज़िंदगी को सही चला सकते, वो 2,000-4,000 रुपए में भी अपनी ज़िंदगी को बड़े आराम से और आपसे ज़्यादा साफ सुथरा रह करके चला रहा है। तो हमें अपनी संस्कृत को वाकई दोबारा रीड करना पड़ेगा। मैं उर्दू और उर्दू के मानने वालों को सलाम करता हूँ कि उन्होंने उर्दू इस हालात में ज़िंदा कर रखा है। जब लाल किले में मुशायरा होता है उस दिन आप जाइए, और जिस दिन कवि सम्मेलन होता है उस दिन जाइए, कवि सम्मेलन के पूरा मैदान खाली होता है और उर्दू मुशायरे में तो माशाल्लाह वहाँ बैठने की जगह नहीं होती। तो हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। थैंक यू सर। मैं थोड़ा देर से आया लेकिन मैं जितना समझ पाया कि जो चर्चा थी वो देश की संस्कृति और उस पर हो रहे अतिक्रमण पर थी। मैं नहीं समझता कि इतना बहुत बड़ी चिंता की बात है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पॉकेट्स में हमको दिल्ली में बैठ के समझ में आता है कि भाई साहब हमारी संस्कृति तो एकदम खत्म हो गई है, लेकिन जब मैं बनारस की गलियों में घुसता हूँ और जब मैं बनारस की अड़ियों पर बैठता हूँ तो मुझे तो वही 100 साल 200 साल पुरानी वाली संस्कृति दिखाई देती है। कोई उसमें बहुत बदलाव नहीं है, या फिर जी प्लीज कंटिन्यू। या फिर जब मैं अपने गांव चले जाता हूँ, गांव में शाम को जब हम लोग बैठते हैं और जो भाई लोग जो हमारे और लोग जो खेती किसानी में लगे बैठे हैं उनको तो चिंता है, भाई साहब पानी बरसात नहीं हुई, नहर में पानी नहीं आया, यूरिया महंगा हो गया, खेत कहाँ मतलब है संस्कृति और चर्चा से। उनको जो चल रहा वही चल रहा। ये तो हम जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको यहाँ दिल्ली में बैठने का आनंद है, उनको यहाँ अच्छा लगता है तो उनको लगता है भाई साहब संस्कृति तो एकदम खत्म हो गई। हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं और जैसा आपने कहा मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ कि नई पीढ़ी को दोष देना कि वो संस्कृति से दूर हो रही है वो हमारी अपनी गलती है, क्योंकि हमने वो दिया उनको
स्कूल में डे वन में उसके ऊपर इतना बड़ा सा पीछे बस्ता लाद दिया भाई, और कुछ सोचना ही नहीं है। घर में आया स्कूल के बाहर तो वो होमवर्क से लेके सारी चीज़ें, वो ग्राउंड जा ही नहीं रहा। तो हमने किया ऐसा नहीं है, ख़ास तौर पर मैं अपने घर परिवार की बात नहीं करता, मेरे घर में लड़के हैं, हम लोग गर्मी की छुट्टियों में गांव चले जाते हैं, गंगा जी जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब हम ही उसके ज़िम्मेदार हैं, और मैं नहीं समझता, बहुत सारे लोग जो गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में बच्चे जाते हैं तो दो चार महीने में तो फिर वो अगले साल भर अगले कुछ आठ महीने के लिए रिचार्ज हो जाते हैं, उनको पता है। तो बीच बीच में थोड़ा रिचार्ज वचार्ज करते रहे, हम यहाँ बैठ के बात करते रहते हैं, हमने गाँव कितने लोग हम लोग अपने गाँव से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा गाँव जाते रहें, थोड़ा बनारस के अड़ियों अड़ियों पर बढ़ते रहें, ये दिल्ली में भी बहुत सारी अड़ियाँ हैं, गलियाँ हैं, उसमें भी थोड़ा घूमते रहें, तो मेरी समझ से संस्कृति को इतना खतरा उतरा नहीं है, हम लोग थोड़ा बौद्धिक विलासता के लिए भले हल्ला गुल्ला कर लें। तो आप क्यों आते हैं इस तरह की जगह? हाँ अभी आपने नंबर आएगा, चलिए मैं बता दूँ, मैं तो यहाँ भी आता हूँ। हाँ सीरियस क्वेश्चन, हाँ इसके बाद बैठ लेंगे सर जी, उनका पॉइंट आ गया। धन्यवाद सर, बहुत सारी बातें आपने बहुत सारे पहलुओं पर, मतलब भले ही वो रूट्स की बात करते करते आपने हम लोगों की अब तक की तो ज़िंदगी को लगभग लगभग छू लिया। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय से लेकर के, जो पढ़ रहा था उस समय से लेकर के आज तक, जहाँ जितना अलग अलग पॉइंट्स पर महसूस किया है, भले ही उसको जान ना पाए हूँ कि वो क्यों महसूस किया, लेकिन महसूस तो अलग अलग समय से किया है। चाहे वो मैं आपके सोचने से बात को बीच में एक बात की सोच रहे हैं, सोच लेते हैं तो हम भी कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं। मुझे मेरा एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही थी, फर्स्ट ईयर था इंजीनियरिंग का, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ये सब तो मुझे आता है, सोच लिया था आता है। तो एग्ज़ाम्स के पहले मेरे कुछ साथी थे, बोले तुमको तो आता है तो थोड़ा सा बताओ, तो जब मैं कॉपी पेन लेके बैठा तो मुझे लगा मैंने तो सिर्फ सुना ही था, मैंने सिर्फ समझ सोच लिया था कि मुझे आता है, मैंने एक्चुअली ठीक से स्टडी नहीं किया। तो वो सोच लेने का भी बहुत सारे ऐसे पहलुओं से आया, वो जो सब लोग अपने अपने तरीके से बात कहेंगे, मेरी अपनी जो समझ रूट्स को लेके या इन सब बातों को, संस्कृति सोसाइटी एजुकेशन को लेकर के, तो मेरी अपनी समझ बनती है, पूरी मच्योर नहीं है, थोड़ी बहुत जो बनती है, वो ये है कि हम लोग जो फॉरेन एलिमेंट से काम करते हैं, फॉरेन एलिमेंट हमको मोटिवेट करता है कि हमको ये हमारा टारगेट, और उस टारगेट को जो अचीव करना चाहते हैं तो फॉरेन एलिमेंट की मोटिवेशन है, कोई अंदर हमारे कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है जिसकी वजह से हम कुछ करना चाहते हैं, कोई फॉरेन एलिमेंट हमको मोटिवेट करता है कि हमको ये करना है, तभी हम करते हैं। तो जब एलिमेंट मोटिवेशन फॉरेन होगा तो हम मूल रूप में नहीं रह सकते, हमको जो आपने बात कही होना होगा, दिखना दिखाना नहीं होगा। तो हम तो दिखना दिखाने के लिए, मोटिवेशन ही दिखना दिखाना, होना मोटिवेशन का है। तो ये अब ऐसे ड्यूरल थॉट प्रोसेस में हम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? और अब जैसे भी उन्होंने बात कही अपनी कि वो हमारी ज़रूरत तो है जॉब की, पैसे की, अलग अलग तरीके से बाकी लोग भी कहेंगे, तो वो जो मोटिवेशन है वो सोसाइटी में दूसरा तरफ दूसरी तरीके का मोटिवेशन। गांव की बात मैं नहीं कहूँगा कि गांव में संस्कृति बाकी है, उनको शायद अंदाज़ा भी ना हो कि वो कैसे लुटते पिटते जाए, हम यहाँ पर बैठ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर पहुँच गए तो लोग लुटपिट रहे हैं, उनकी संस्कृति खतरे में है, क्योंकि हम अपनी चीज़ें लुट मतलब बहुत सारी चीज़ें लुटा के आते हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए, मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि एडिक्वेट है कि ये कहें कि उनको वो सब कुछ रिस्टोर्ड है, सब बाकी है, सब अभी बचा हुआ है, उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो अपने बच्चे को जब बहुत अच्छे भविष्य के लिए पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो वो एक्चुअली वो भविष्य उसका बन नहीं रहा है, कहीं अंदर वो अपने से दूर भेज रहे हैं। मेरे साथ के बहुत सारे मेरे कलीग्स रहे, मेरे बैचमेट्स रहे, जो अपने घर पर ही रहते हैं, बहुत सारे अमेरिका में हैं, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ में हैं, बहुत सारे इंडिया में ही रह करके, वो अब शायद उनके पापा से उनकी बात भी नहीं होती है ठीक से। मैं कानपुर जाता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं
उनके घर जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी, मैं 10 साल पहले जिन मम्मी पापा को जानता था, अंकल आंटी को जानता था, आज वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं मुझसे, ऐसे बात करते हैं, ऐसा लगता है कि उनका लड़का रोज़ बात होती है फ़ोन पे, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बात हुए कई साल हो गए, वो ना तो वो जानते हैं उसके बारे में वो क्या कर रहा है, ना तो वो समझते हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहता है इसका भी कोई नहीं। वो आता है दिवाली होली में कभी 2-3 साल पे कभी आता है, मिलता है, चला जाता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे। तो वो हमने, हम जहाँ तक पहुँच गए हैं वहाँ से वापस आने का रास्ता खोजना, या जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ पर चीज़ों को रिस्टोर करना, ये अपने आप में मुझे तो लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो वो अब मेरी उसी बात पे, मतलब मेरा सवाल भी आपसे है कि वो मोटिवेशन कौन सा हम खड़ा कर सकते हैं, या कौन सा मोटिवेशन हो सकता है जिससे हम चीज़ों को रिस्टोर कर सकते हैं। सवाल जी, जो पवन जी ने जो पूरी बातचीत रखी जो मेरी समझ में आई, मैं उनकी जीवन यात्रा से बड़ा कोई मसला है जो अनुभूतियों पर आ रहा है। हमारी जो परंपरा है उसने हमको मजबूत आधार दे रखा है, इसमें कोई बुराई नहीं, मगर वो हमें भविष्य की गारंटी नहीं दे पा रहा। भविष्य की गारंटी जो हमारी शिक्षा पद्धति ने जो खड़ा किया डराने का भय। कारण क्या है कि शिक्षा जो 200 वर्षों के इतिहास में, तो राज्य ने अपनी स्टेबिलिटी के लिए चीज़ों को खड़ा किया, तो लॉन्ग टर्म कैसे सर्वाइव करें उसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं। परंपराओं में अभी जी रहे हैं मगर हम असहज होते जा रहे हैं, क्योंकि सहजता में ही वो हमारा कंफर्ट जोन छूट गया है, इसलिए हम परेशान हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम भविष्य की गारंटी, उनकी यात्रा का ही पूरा मामला जुड़ा हुआ है, राज्य दूसरे ढंग से सोच रहे हैं, हम दूसरे ढंग से सोच रहे हैं। यूरोप ने अपनी पूरी सोसाइटी को आर्गूमेंटल बनाया, एज इट इज नहीं माना। उसका कारण ये था, उन्होंने कहा भाई हमने अपने जीवन को लक्ष्य को ही मोक्ष माना, हमने कहा भाई इसलिए योग को साधन मानो, अनुभूति से चलते हम लोग जो हमको सहज। हमारे यहाँ जो भी, हम कभी शिक्षित नहीं होते थे, अगर पुरानी तरफ जाएंगे 200-400 वर्ष पहले हम दीक्षित होते थे, और दीक्षा में ये शिक्षा नहीं थी। महाराष्ट्र में शिक्षा का अर्थ ही दंड है। तो जो परंपराओं से जुड़ने वाली बात जो है वो सीधा मामला ये है कि जो जीवन में हमको सहज रहे, जो हमको उधार का न लगे, जिसका बोझ महसूस ना करें, क्योंकि मनुष्य तो कोई ब्रांडेड है नहीं किसी राज्य का। तो हो ये रहा है कि हम बोझ महसूस कर रहे हैं, जबरदस्ती हम पे तोड़ रहे हैं, लेकिन भाषा का भी क्या मतलब है। हम जो कह रहे हैं आपकी समझ में आ जाए, आप 50 भाषाएं जानते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे, कोई उसका अर्थ नहीं। ये भी एक बड़ी दिक्कत है हमारी पूरी सोसाइटी कि जिसे हम जानते हैं उसे तो मानते हैं ही नहीं, और जिसे मानते हैं उसे हम जानते नहीं। इसीलिए समझते कम समझाते ज्यादा है, सुलझते कम उलझते ज्यादा है। हमारी प्रॉब्लम ही हम करें उसे चाहे जैसा जीवन मान लें, चाहे कुछ मान लें, मगर मसला ये है कि मनुष्य के जो अंदर का जो महाभारत है वो सरल और सहज होना चाहता है, वो नहीं लेना चाहता ये सब बीमारी। मगर हमारा जो पूरा का पूरा बाहरी सिस्टम है, शिक्षा से लेके जज साहब बैठे हुए न्यायमूर्ति साहब, मैंने तमाम लोगों से बात करता हूँ, उन्होंने कहा साहब मतलब बड़ा न्याय की है, मैंने जज साहब फैसले किए होंगे न्याय उसमें हो गया हुआ है बात, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कभी सिस्टम ही नहीं था न्याय, हमारे यहाँ तो पंच परमेश्वर की कथा पर आना टिकाना उस तरह का सिस्टम, उसी को हमने तोड़ दिया, राज्य के द्वारा तोड़ा दिया, हमारे यहाँ भी पंचायत है, उसका आधार गलत सही क्या वो अलग मसला है, होती अभी भी, मगर राज्य ने हमारे उस पूरे सिस्टम को तोड़ दिया और यहाँ तक तोड़ दिया है कि ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारी नहीं है, डेजिग्नेट दे दिया है। पूरा 214 धारा कहती है कि समस्त संपत्ति भारत सरकार की है, राज्य सरकार की। हम लोग कहते हैं कि इस पूरे भारत की सरजमी पर एक एक इंच भूमि पर हमारा अधिकार है, इंडिविजुअल भी कहते हैं, सरकार नहीं बनती आपका है। तो मसला ये है कि जो आपकी जो पूरी जीवन यात्रा है ये आपकी नहीं, इसमें करोड़ों लोग फंसे हुए, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, रास्ता जाए किधर, तो रास्ता इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि गांधी जैसा व्यक्तित्व चाहिए। विवेकानंद ने भी कहा
कि ईश्वर ही वो है जो भरोसा देता है, दूसरा नहीं दे सकता इस देश में। तो गांधी अगर उस समय कहता तो ठीक है, हमारे यहाँ तो अभी से नहीं, गांधी से पहले भी था कि कोई निर्भय हमें क्या नहीं, रानी छोड़ना हो चेरी छोड़ना हो या ना बना रहे राजा, हमें क्या लेना देना। तो हमारे यहाँ की जो परंपरा और जो चीज़ें हैं उसमें वही हमको टिकाए हुए, वो तमाम सारे तनाव से हम बहुत रखे हुए। हम अभी भी कह लेते हैं कि साहब साईं इतना जीत गया जहाँ मैं पटू सा, मैं भी भूखा ना रहूँ अतिथि भूखा ना जाए, अरे भाई आप हैं वैभवशाली बने रहिए, हमें क्या लेना देना। जिस दिन ये भाव हमारे अंदर आ गया वो भय निकल गया, जो दिखाने वाली बात है आज कल लगी हम इस पर, हमें आपको दिखाना, दूसरा हमें इससे कोई लेना देना ना। पूरी जिंदगी भर हम ना कहना नहीं सीख पाते, ना कहना सीखते ही नहीं, ना नहीं कह सकते। जो आपने जिस संकोच की बात की है वो किस लिए है, उसके पीछे कारण जरूर होगा, उसके पीछे कारण लालच हो सकता है, लोभ हो सकता है, डर हो सकता है, पर कारण है उसके पीछे। मान लीजिए ईश्वर जी गए, हम नहीं गए, बहुत सारी चीज़ों में जय डर हो गए, साला कल सुबह आने देंगे नहीं, अगले देश की बात नहीं, तो ये इससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। शायद मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ शायद, कि जो शिक्षा की बात कर रही है, कांग्रेस से शिक्षा में परंपरा की तरफ लौटने की कोशिश करी है, अपने घर से ही शुरू करी है, करने में मुश्किल बहुत आती है, दबाव बहुत रहा समाज का, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं असफल हो गई। और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, जानते हम जाते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन वो करने के लिए जो साहस हमें जुटाना होता है वो हम जुटा नहीं। और मैं 20 साल से जिस सोसाइटी में रह रही हूँ वहाँ पे मैंने अपने बच्चे को घर पे रख कर के 10 साल की उम्र में उसको एक आश्रम टाइप स्कूल में भेजा, तो उस सोसाइटी का दबाव जो मैंने सहा, उस सोसाइटी में सब माओं ने देखा कि मेरा बच्चा क्या बना है, फिर भी वो आज कोई नई माँ ये साहस नहीं कर पाती, जबकि मैंने तो खड़ा करके दिखाया है। तो बात है परंपराओं में, हम जानते हैं समझते हैं ये परंपरा है ये फ़ायदा है, लेकिन लौटने का साहस नहीं जुटा पाता, और साहस जो जुटा लेता है तो वो लौट सकता है आधा अधूरा सही, लौटेगा जरूर और वो लौटता है, लेकिन बात है समाज में साहस को जुटाने की। आपने करके दिखा दिया तब भी साहस नहीं जुट रहा, आप क्या करते हैं, जब कुएं में भांग पड़ी है तो क्या हो सकता। और बाकी कुछ तरीके सुझाने की बात है तो वो बनाए जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बन सकते। इस दिल्ली शहर में जब हम एक महीने का अपने बच्चे को लेके आए थे, क्योंकि हमें शहर में रहने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी पर मजबूरी थी, तो लौट के आए थे वापस शहर में गांव जाते जाते, तो एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि इस दिल्ली शहर में बच्चे को गाय का दूध पिलाना, सिर्फ गाय का, भैंस का पिलाना ही नहीं। पर जब हमने ये तय कर लिया तो मैं दिल्ली शहर में 5-6 जगह रही और हर जगह मैंने गाय का दूध अरेंज करा, कैसी गाय खरीदवाई भैंस वाले के यहाँ, कुछ भी किया, शुरू का सारा दूध खुद खरीदा, फिर तो मुझे ही दूध मिलने की दिक्कत हो गई, क्योंकि सभी को गाय के दूध की जरूरत थी, किसी को दवाई के लिए, किसी को अपने छोटे बच्चे के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए, पर लोग कोई कदम ही नहीं उठाना चाहते कि कहाँ मिलेगा जी नाम गाय का दूध। अरे कोशिश, परंपराओं में लौटना है तो कोशिश करके तो देखिए, कदम उठा के तो देखिए, और कदम मजबूती से उठाना, बिना बोल्डनेस के चलेगा, क्योंकि दबाव तो आपने मैकाली की शिक्षा का इतने साल से चल ही रहा है, कितने साल हो गए अपने देश को आज़ाद हुए, इतने सालों से चल ही रहा है, तो उस दबाव को हटाना कोई सरल बात नहीं। मैंने सहा है 20 साल सहा है उस दबाव को, और कैसे झेला है ये मैं ही जानती हूँ, और मेरे बेटे ने भी कैसे झेला है ये वो भी मैं जानती हूँ, पर झेलने के बाद कुछ अच्छा ही हाथ आया है ऐसा लग रहा है, कोई परेशानी ऐसी नज़र नहीं आती कि हाय क्या होगा बाकी की जिंदगी का। तो मेरी बात है बोल्डनेस की, अगर वो बोल्डनेस आप ला सके माओं के अंदर, क्योंकि माएँ ही पहले बच्चे से जुड़ती हैं। अच्छा माएँ डिसीजन बाद में लेती हैं, लेता तो पुरुष ही है घर का डिसीजन कि बच्चे को कौन से स्कूल जाना है, क्या जाना है, कैसे जाना है। तो दोनों का विचार बदलना, विचार तो आप बदल दें
सब कहते हैं विकल्प खड़ा करके दीजिए विद्यालय की शिक्षा का, तो हम उस जगह बच्चे को भेजेंगे। जो लोग विकल्प खड़ा करते भी हैं, तो आप बहुत जगह विकल्प खड़े भी हो रहे हैं, तो उसमें भेजने की बोल्डनेस नहीं आ पाती, और बोल्डनेस नहीं आ पाती इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। जी गोपी साहब, उमेश भाई, कुछ विशेष कहने को तो नहीं है, पर दो चीज़ें अपनी बिगड़ी हैं, सोच भी बिगड़ी है और सोच भी बिगड़ी है। सुबह सोच जाना बड़ा मुश्किल हो गया है और दिन भर का सोच बड़ा कठिन देता है, और ये दोनों समाज की बिगड़ गई। तो मुझे इस सब में नतीजा तो ये लगता है कि जो घर टूटे अपना चले हमारे साथ, और ये कश्मीर की बुजुर्ग ने कहानी सुनाई वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो कुछ संदेश देते तो मालूम ही नहीं थे तो मेरी बात नहीं। उसने रघु की बात सुनाई, उसने कहा कि राजा के यहाँ बड़ा गप मारा करता था और फिर चुकी बातें करता था, तो एक आदमी को मालूम पड़ा कि राजा बड़े गप मारता, बड़ी बड़ी बातें करता और फिर चुकी फेंकता है, जितनी चाहे फेंक देता। तो उसने कहा कि यार कहीं धंधा चाहिए, बेरोजगार हो, तो वो गया, उसने आवाज़ लगाई महल के आसपास में, बोला रघु करवा लो, रघु करवा लो। उसने कहा भाई काय का रघु करता है, हमारा कपड़ा है, बोला कपड़े का रघु नहीं करता, बोला कि अगर बातचीत की रघु करता हूँ, मैंने कहा तो मेरे पास है, मैं कहना बहुत फेंकता हूँ तो इलाज बता। तो उसने कहा ठीक है, बोला मेरी बड़ी अच्छी उड़ती है। तो राजा के पीछे कुर्सी के पास बैठने लग गया हूँ, और उसने कहा अभी आप कुछ ज़्यादा लंबी कहेंगे तो मैं क्यों करूँगा, तो आप उसको छोटा कर देंगे। तो ठीक है, तो उसने कहा कि एक दिन दरबार में बैठे हुए थे, उसने कहा भाई साहब हम जंगल में बैठे और ईश्वर दयाल जी क्या बताएं, 100 फीट का शेर हमारे सामने आ गया। तो पीछे से उन्होंने कहा, उसने सोचा भाई कुछ कम करना चाहिए, तो उसने कहा नहीं हम थोड़े आगे बढ़े, और जब हमने आगे बढ़े तो हमने देखा शेर तो 90 फीट का है। तो उसने फिर कर दिया, तो उसने कहा मगर जब 10-20-50 कदम और बढ़े तो देखा कि शेर 75 फीट का है, और जो करते करते वो 50 फीट पे आ गए। तो उसने फिर कहा बड़ा, फिर हमको गुस्सा आ गया, हमने कहा कि फीता लाओ, और हमने शेर को नाप दिया और नापा तो शेर 45 फीट का था। तो उसने कहा गुलाब तो लग गए। गुलाब तो लग गया, अब क्या कहूँ। तो स्थिति यह है, अब उसने कहा तब तो लग गया, और उसके बाद हमने कहा कि लग गया तो इसका कोई इलाज, उसका 90 बाद में तो विद्रोह होता है, बदलाव होता है, घर फूकना पड़ता है। ये उस बाबा ने हमको बात कही, और सचमुच अभी तक उसका जवाब नहीं मिल रहा है, पर दम लगा उसकी बात में, और लगा कि पूरी समस्याओं में हमारे वो है। तो मुझे लगा कि इस सभ्य समाज में ये असभ्य कहानी सी अगर लगे किसी को तो माफ़ कर देना, पर मुझे लगा कि आज हमारी स्थिति वो है उसमें लगे कि जो घर को अपना चले वो अगर स्थिति हम कर सकते हैं तो इसमें कुछ संभावनाएँ दिखती हैं, नहीं तो भाई अब तो नक गया। सर पहले तो विज्ञान पर सवाल उठे, इसमें विज्ञान क्या होते हैं। एक आदर्श ग्राम है अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में हिवरे बाजार, पोपट पवार वहाँ के पूर्व सरपंच रहे, और उन्होंने मतलब उसको आदर्श ग्राम का केंद्र सरकार से अवार्ड मिला था विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, और कुछ उनका परंपरा से जो सभी आ रही थी उनकी जो काम करने की विधि थी, तो थोड़ा बहुत बदलाव लाते हैं उन्होंने उसको काफ़ी अच्छा, मतलब जो जहाँ पे हमेशा आकार सूखा और मरने वाली चीज़ें होती थी वो काफ़ी बंद हो गई, और इनफैक्ट पलायन बहुत हो रहा था शहर की और उस गांव से, तो कहीं ना कहीं रुक गया। और आज देखा जाए तो वहाँ पे मैंने जितना समझा उस गाँव को या सुना उस बारे में कि वहाँ मैक्सिमम करोड़पति है और आज कोई पलायन नहीं है, वहीं रोजगार है, वहीं सब लोग रहें खुशी से और सब अच्छा हो रहा है। दूसरा, सहजता की आपने बात की सर, तो आज मैंने देखा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राजस्थान
यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर्स है, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी सहज भाव के हैं और हर बार सहज भाव से इन लोगों को ही वोट करके चुन लेते हैं, तो इसके मतलब बदलाव वहाँ इनके थ्रू ही आएगा अगर आएगा। आप मुझे बताइए, अगर मैं ही बोलूँ, मैं ही मतलब तानाशाही हो जाती ना कि मैं ही वहाँ पे हूँ, तो मेरे हिसाब से एक बात चल रही है हर चीज़, मतलब मैं ही और मतलब हमेशा मैं ही राइट हूँ। मैं मुझे पता है कि मेरे बाजू वाला डॉक्टर मित्तल राइट है, शोरदास जी राइट है, लेकिन मैं उनको नहीं मिली, मैं ही सही हूँ, क्योंकि मैं एक तो लोग सहज हैं, सहज भाव से हम आगे बढ़ गए, लेकिन जो थोड़े आपके हिसाब से असहज लोग हैं उन्होंने तो उनका दुरुपयोग कर लिया। तीसरी चीज़, हम समय से जुड़े हैं सर, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम समय से जुड़े और समय गतिशील है तो हमें गतिवान होना चाहिए। चौथी चीज़ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर परंपरा क्या है आपके हिसाब से, मुझे नहीं समझा गया, क्योंकि हर चीज़ आके फोकस हो गई शिक्षा पर। मैं मानती हूँ शिक्षा प्रणाली की खामियाँ हैं और उसे हमें सुधारना भी चाहिए, कहने का मतलब इनिशिएटिव देना चाहिए, जैसे ईश्वरदयाल जी ने लिया, उन्होंने पैरेलल शिक्षा की व्यवस्था अगर शुरू करना चाह रहे तो इसका मतलब उन्होंने इनिशिएटिव लेके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके लिए कुछ मतलब निकाला है और उसका फायदा, तो कहने का मतलब ये करना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है बातें गलत हैं। और जो लैंग्वेजेस है, मुझे लगता है जो लोग जितनी लैंग्वेजेस जानेंगे, मानती हूँ लैंग्वेज जानने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप बोल लें कुछ, लैंग्वेज जानने का मतलब आपको लिखना पढ़ना दोनों अच्छे से आना चाहिए, अगर आप वो नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपको जानकारी नहीं, मैं भी मानती हूँ। और अपनी भाषा जो हम कहते रहे सर, अपनी भाषा मानती हूँ बहुत ज़रूरी है, जैसे आज मैं हिंदी साइड फैमिली से आती हूँ, मेरे घर में हिंदी आती, लेकिन मैं हिंदी स्कूल में पढ़ने के बावजूद 10th तक मेरा अगर एजुकेशन हिंदी में माध्यम से होता है, लेकिन हिंदी फिर भी लिखना नहीं जानती इसका मतलब, तो मतलब वहाँ पे दिक्कत है, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है सर, कि मैं जो भी लैंग्वेज माध्यम से पढ़ाई करूँ तो वहाँ भी मतलब वहाँ पर रिफॉर्म आना चाहिए ना सर। अगर मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ के भी अगर मुझे नहीं आ रही हिंदी और मुझे अंग्रेजी से तो डर बना ही हुआ था, अब वो तो बात अलग है कि सेल्फ मोटिवेशन से हम सब लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जानते हैं और खुद अपने आप को निखार रहे हैं, बात अलग है सर। तो कहने का मतलब रिफॉर्म आना चाहिए, ये जैसे आप कह रहे हैं ना, तो इसको मुझे लगता है कि लैंग्वेज कोई बुरी नहीं है, और लैंग्वेज मतलब जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आएंगी उतना आप संपन्न होंगे, मुझे ऐसा लगता है। कई सारे आप साहित्य पढ़ोगे, कुछ नई चीज़ें समझोगे, नई चीज़ों को निकालोगे, एक विजन क्रिएट होगा, और बस मुझे इतना ही क्वेश्चन था कि सहज क्या है आपके हिसाब से, जैसे मैंने सहज वाला बताया आपको एग्जाम्पल, और बस परंपरा आपके हिसाब से क्या जो मुझे समझ में नहीं है, अगर आप ये मुझे बता दें तो बहुत हेल्प। धन्यवाद सर। दो बात बताऊंगा, एक तो परंपरा कई बार कैसे कैसे हो जाती है, एक शादी में एक बिल्ली मर गई और उसके बाद उनके आगे जितनी शादियाँ हुई सब एक बिल्ली मार के रखते थे और फिर शादियाँ ठीक हो जाती है, ये एक परंपरा। दूसरा, स्वतंत्रता के चरण में गीत चला करता था इकबाल का, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सता मजहब सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हिंदी चतुर्द हिंदू शब्द हिंदू है पता नहीं हिंदू सता सारे यहाँ से अच्छे हिंदू सता, अर्थात वो जो हिंदू शब्द वहाँ आया वो ये नहीं कि कोई मंदिर भी आता था, हिंदू एक संस्कृति का बच्चा है, उस संस्कृति को अगर हम मानते हैं तो क्या मुसलमान क्या इस्लाम कोई क्रिश्चियन हो चाहे कोई, आप अपने जीवन पद्धति अपने पूजा पद्धति कोई भी हो कैसी भी हो ईश्वर को प्राप्त करने का आपका रास्ता जो भी हो, परंतु अगर संस्कृति को हम मानते हैं देश की कुछ परंपराएं हैं, अर्थात आप देखिए धर्म की बात आई आज रिलीजन की बात है, रिलीजन और धर्म में क्या फर्क है, रिलीजन इज ओनली ए पर्टिकुलर सेक्ट, यानी अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो एक उनका एक तरीका है और ईश्वर को याद करने का, हमारे यहाँ हिंदू जो फतवा जो संप्रदाय है उसमें आप ईश्वर को मानते हैं तो कि ईश्वर को नहीं मानते क्योंकि निरंकार भी की भी पूजा होती है, ओंकार की पूजा होती है, तो जहाँ ये इस प्रकार का अपना सोच है इसका क्या कुछ और चीज़ें हैं विच इज नथिंग टू डू विद रिलीजन, वही है
कि आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा मर रहा है तो उसको आपने खाना दिया, ये आपकी संस्कृति है। या आपने कोई रास्ते में जाते हुए कोई किसी कष्ट है उसका आपने सहयोग करना है, उसको साथ ले जाना, ये संस्कृति है। इसी प्रकार अगर मेरे पड़ोस में कोई दुख हो गया तो मैं जाऊँगा, ये संस्कृति, इसमें न कोई था इस्लाम का मामला है, न कोई क्रिश्चन का मामला है, न कोई अर्थात जब हम उस पुरानी बातों को, जैसे माता की बात अभी बात आई, माँ की बात क्यों बच्चे को समझ में आती और वो समझ में नहीं आती, वो उसको आत्मसात हो जाती, यानी वो जो माँ से सीखता है वो स्कूल में भी नहीं सीखता। इसका अर्थ ये है कि जैसे बुलिंग की बात है, अरे वो जो तुतला के बोलता है बच्चा वही धीरे धीरे सीख जाता है, वो उस भाषा को सीख जाता है जिस भाषा का परिवार में यूज होता है, इस्तेमाल होता है, चाहे वो फिर उर्दू क्यों ना हो, चाहे उसमें कोई बंगाली क्यों ना हो, चाहे उसमें तमिल क्यों ना हो, तेलुगू क्यों ना हो, वो जो घर में सीखता है वो भाषा को सीखने के लिए स्कूल में नहीं जाना पड़ता उसको, उसको तो वो घर में ही सीखता है। और घर में सीखते सीखते जो अच्छी बातें जो घर में सीख लेता है वो उसके जीवन में संस्कार हो जाते हैं, और वो जीवन में जो संस्कार हो जाते हैं वही उसके पूरे 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 जीवन में उसका असर होता है। तो एक बात जो निकलकर आई कि जहाँ जैसे शिक्षा पद्धति के बदलाव की बात हो रही है वो ये कि अगर इस समय सरकार कुछ करना चाहती है तो जो ये जो घर में जो शिक्षा होती है जो स्वाभाविक